है भाई अली हेयर। अभी ये क्या मैं जिशान भाई, फरहान, अलियान, आशर और अमीन का इंतज़ार कर रहा हूँ। हम लोग जाएंगे फुटबॉल खेलने के लिए, थोड़ी देर के लिए रेफ्स यूज़ करूँगा मैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है आज। कल वॉलीबॉल खेला था, वॉली व्लॉग भी एडिट करनी है मुझे अभी, वो व्लॉग 3 होगी। ये जो अभी बना रहा हूँ ये व्लॉग 4 होगी। व्लॉग 3 मैंने अभी कुछ भी एडिट नहीं किया है, कुछ भी से मुराद कुछ भी, मतलब जीरो एडिटिंग की है उसकी, तो वो टाइम लेगा थोड़ा बहुत। अभी सब लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे इतना अजीब सा लग रहा है ना, कैमरा पकड़ा हुआ है, ये लड़का क्या अपने आप से बात कर रहा है, बेचारा पागल है, लेकिन इनको क्या पता मैं आवाम से बात कर रहा हूँ। तो खैर अभी यही सीन है यार, जल्दी से कोई आए। वो हाँ, व्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने कल जो मैं इतना गंदा गिरा था, हाथ पे लगी थी मेरे। अभी ये है कि फिर से गिरा। Immediately take that part of the vlog. अच्छा भाई, तो अभी ना मैं उधर तीसरी बार चल भाई सुना। ओके कट फोर। मैं वहां पे अपनी लिपस्टिक चला रहा था तो एक आदमी गाड़ी रोका, मुझे देखा, मुझे बोला हैव यू सीन मी समवेयर, और फिर मैं उसे बोलता हूं कि मैं उसको बोलता हूं कि नहीं मैंने व्लॉगिंग अभी स्टार्ट किया है, इंग्लिश में बोला ना कि मैंने, ठीक है। तो वो फिर लाइक फ्लुएंट बन गया, फ्लुएंट यू। तो क्या कैसा देसी पेरेंट्स भी लाइक बिल्कुल बहते पानी की तरह बात करना, फरफर निकलना। फिर उसके वेट, आर यू टॉकिंग टू समवन अनको? हवा खा ले भाई, हवा फुटबॉल ग्राउंड पहुंच गए हम लोग अभी, और अब फुटबॉल खेलने के बाद फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से। हाँ भाई, तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर। That was the most awkward transition ever, I guess. Bro, you need to script these things, man. I don't know, because like I was trying to just make sure that I pick the phone up properly. Anyways, अब हम लोग घर जा रहे हैं वापस, फुटबॉल खेल लिया है। फुटबॉल के दौरान को कभी फुटेज नहीं पकड़ पाए क्योंकि ट्रैपॉड वगैरह, मैं सारे गोल किया और उसने कुछ नहीं पकड़ा, और फिर जब भी मैं मिस्टेक करता हूँ और फिर बोलता है कि सबसे बैड मैं हूँ, सारा कुत्ता है। हम लोग कहीं रुकेंगे नहीं, बीच में डायरेक्टली घर जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को जल्दी घर जाना है। और हाँ, मगर नमाज पढ़नी है, मगर पढ़नी है, मगरब निकलने वाली है। घर पहुँचने के बाद फिर आपसे बात करेंगे। मेरे ख्याल से आज की वाली ब्लॉग काफ़ी छोटी रहेगी, मुझे ये भी नहीं पता आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं हवा की वजह से। नमाज पढ़ना है भाई, खैर अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही है, बाद में देखते हैं क्या होता है। वैसे ही बहुत गोरा है तो खैर। हाँ भाई, तो सीन दरअसल ये है कि पिछले कुछ दिनों में मैं बिल्कुल भी सही से रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ, उसके दो रीजंस हैं आई गेस, मतलब और भी रीजंस हैं, वो बढ़ते रहेंगे रीजंस जैसे जैसे याद आते रहेंगे। खैर पहला रीज़न ये है कि जब मैंने अपनी व्लॉग 3 अपलोड की थी तो चप्पल निकाल रहा हूँ यार भाई, मैं बहुत सारा ढेर है तो उसमें से ना अपनी जो चप्पल पहनता हूँ ना वो निकलने की कोशिश कर रहा हूँ के लिए। खैर तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई पहला रीज़न ये है कि मैं दरअसल एक तो थोड़ा बहुत इतनी सारी व्लॉग्स कंसिस्टेंटली बना रहा था और पढ़ नहीं रहा था सही से बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा SAT है तकरीबन अब एक महीने में, तो मुझे उस पर भी फोकस करना था, तो मैं थोड़ा सा मतलब उसको लेकर बैठा हुआ था, उसको टाइम दे रहा था उसकी प्रिपरेशन के लिए। और वो जब मेरा ख़त्म हुआ तो 2 दिन पहले मेरा ड्राइविंग टेस्ट था, और ड्राइविंग टेस्ट मेरा अल्हम्दुलिल्लाह
गुड लिया। गुड इन अ सेंस मतलब मैंने अच्छा लिया, लेकिन इंस्ट्रक्टर के लिहाज से मैं खाली टेस्ट पास हुआ हूँ भाई। टेस्ट बड़ा बाम दिया आपके भाई ने। टेस्ट कैसा हुआ कि मैं जब गाड़ी में बैठा तो उसने मतलब पूरा चेक किया वगैरह कि भाई इंडिकेटर वगैरह चल रहे हैं। उसके बाद जब मैं मेन रोड पे गाड़ी को लेकर आया तो मैं दरअसल गाड़ी खुद चला रहा था पहली बार, क्योंकि मैं दूसरी गाड़ी पे प्रैक्टिस कर रहा था। उधर जब मैं गाड़ी लेकर गया था तो वो अब्बा की नई गाड़ी लेकर गया था, और उसका मुझे बिल्कुल भी इतना सही से आइडिया नहीं था कि उसका एक्सीलरेटर कितना तेज़ जाता है वगैरह। खैर जब हम लोग उधर रोड पर पहुँचे तो मैंने जैसे ही हल्का गाड़ी को धक्का दिया, झटके लगा लगा के गाड़ी लेकर जा रहा था मैं। उसके बाद जब मेन रोड पर गाड़ी आई तो क्या किया था मैंने, मेन रोड पर जब गाड़ी आई थी, हाँ, ओवर स्पीड लेकर चला गया मैं गाड़ी को। मतलब स्पीड लिमिट थी 35 थी, मैं 45 पे चला रहा था। फिर मुझे याद आया, अरे स्पीड कम है, मैं ब्रेक मार के गाड़ी को हल्का की। उसके बाद उसने बोला यहाँ से लेफ्ट मोड़ो, मैंने लेफ्ट मोड़ लिया। अब दो लेन्स थी, सही है, मैं समझा एक ही लेन है, तो मैं दोनों लेन्स के बीच में चला रहा हूँ। उसके बाद जब दोनों लेन्स के बीच में चला रहा हूँ मैं, तो उधर से मतलब अच्छा इंस्ट्रक्टर भी घबरा गई, ये तो दोनों लेन्स के बीच में पट्टा करा रहा है, ये तो बाकी में ठोके ही ठोकेगा इससे। मैं तो खुद ही बोल दिया, इंस्ट्रक्टर ने खुद ही बोल दिया कि भाई ये तो तुम दोनों लेन्स के बीच में चला रहे हो, ये इस लेन में आओ। तो खैर फिर मैं दूसरी वाली लेन में प्रॉपर्ली आया, फिर वहाँ से चलाता रहा अंदर। खूब उसने गलियों में चलाया क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही थी। अच्छा भाई एक और जगह उसने बोला कि तुम जो है कर्व साइड पे पार्किंग करो, मतलब पैरेलल पार्किंग। मैंने पार्किंग की, गाड़ी लगाई, निकाल भी ली, चला गया। उसने बोला तुमने पार्किंग करते वक्त इंडिकेटर तो कोई दिया ही नहीं। उसके बाद नहीं यार, वो अपनी बकवास कर रहा था इतनी देर से, नमाज खत्म। तुम अभी वो पढ़ लो ना, उसका बना दो, बिगड़ने करो बड़ा हॉट डॉग्स भी बनाते हैं। मसाले डालना, मैं निकाल के जा रही हूं सारे। तो खैर ओए कैमरा एंगल सही आ रहा है वैसे, चेक करना, मतलब भाई नजर आ रहा है बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा, मजाक कर रही अपन ऐसा। ठीक है, सबसे बेस्ट पार्ट तो मैंने जब गाड़ी ला के पार्क की थी ना यार, जब उधर ड्राइविंग के इंस्टीट्यूट में वापस आ गए थे, तो गाड़ी ला के पार्क की ना, तो दो लेन्स के दरमियान जब पार्क की तो मैंने गाड़ी को ना टेढ़ा खड़ा किया। इंस्ट्रक्टर बोलती है कि यार आपको गाड़ी सीधी करनी है। उर्दू में नहीं बोल रही थी, इंग्लिश में बोल रही थी, मैं उर्दू में बता रहा हूँ आपको, लेकिन बोल रही थी कि अगर आपको गाड़ी सीधी करनी है तो कर लें, मतलब दोनों लेन्स के दरमियान में है कि नहीं। मतलब उसने यहाँ तक हैंडल भी दे दी। लेकिन मेरा एक अजीम दोस्त है, उसका नाम सैयद गाजी है, उसका यूट्यूब चैनल चेकआउट कीजिएगा आप लोग, वो गाने बहुत बहुत टिप टॉप गाता है, सही। उसने मुझे कहा था कि भाई गलती भी करो ना तो कॉन्फिडेंस से किया करो, ताकि सामने वाला भी वो हो जाए कि यार ये वाकई में सही बोल रहा है। तो मैंने इंस्ट्रक्टर को बोला कि नहीं, पार्किंग मैंने बिल्कुल ए ओके की है। तो मैंने उसको ये बोला और शी वाज लाइक अच्छा ओके ठीक है। और फिर आखिर में बोलती है कि यू पास टुडे एंड अंदर चलो, लाइसेंस ले लेंगे तुम्हारा हम लोग, मतलब टेम्प्रेरी कार्ड मिला है अभी, लाइसेंस आ जाएगा अभी कुछ दिन में। तो बस इस तरह लाइसेंस मिला आपके भाई को, अब अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइविंग श्राइविंग करेगा। हाँ एक बात जो उसने मुझे बोली थी इंस्ट्रक्टर ने, वो ये बोला था कि देख कर चलाना गाड़ी वरना पुलिस वाला लाइसेंस ले लेगा। ये चीज़ मैंने जहन में रखनी है, आप भी रखिएगा। अब भूख लगी है ज़रा, तो मैगी नूडल्स पकाएंगे हम लोग, कहानी ख़त्म हो गई है, तो मैगी नूडल्स टाइम। मैगी गेम्स गुड गुड पकाया मैंने, मैं आपको बोल रही थी कि पकाओ पकाओ, नमाज मेरी होगी, मैं नमाज आखिरकार आके मैं ही पका लूं। शॉर्ट्स लेने थे ना यार, चलो ब्लॉग के लिए। अच्छा ये दाल है मेरे प्लेट में, डाट पे प्लेट यार, बाल बनाना ना अजाब है, अजाब। जब भी मैं बाल नहीं बनाता हूँ, बनाने के दिल ही नहीं चाहता, अजाब है बाल बनाने। ये देखो
कौन मनाए बाल, मतलब सही से रहते नहीं, इतने अजीब से हो रहे हैं बाल। तो भाई अब यही है कि मैं इस व्लॉग को मेरे लिहाज से आज यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ, और मुलाकात होती है आप लोगों से अगली व्लॉग में इंशाल्लाह। ये वाली व्लॉग काफ़ी बोरिंग थी मैं जानता हूँ, कुछ करने की कोशिश करेंगे हम लोग अगली व्लॉग के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।